हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरदेश फ्रॉम द वेसर कंसल्टेंट्स। आज दी इस वीडियो च गल करांगे लेटेस्ट चेंजेस इन पीटीई। स्टूडेंट्स, तुहानू मैं दसना चाहुंदा हां कि जिहड़ा पीटीई दा टेस्ट है अक्तूबर 2009 तो चल रहा है और इहदा फॉर्मेट जिहड़ा है एग्जैक्टली इदां ही चल रहा है जिस तरह अज है सिंस अक्तूबर 2009 टिल डेट। सो देयर इज नो चेंज, बट पीटीई ने रिसर्च की स्टैटिस्टिक्स के बेसिस से उन्होंने देखा कि कुछ चेंजेस करिए पीटीई जिद की हो बच्चों होर जो अच्छे तरीके रिजल्ट आ पाए और मोर ऑब्जेक्टिव रिजल्ट जो है आ जाए, मोर कंप्रहेंसिव रिजल्ट आ जाए। ये चेंजेस जीडिया ने उन्होंने अनाउंस कर दिखाई ने, पर इन्हों की अगर मैं इंप्लीमेंट की गल करा तो यह इंप्लीमेंट हो रही ने 16 नवंबर 2021 तो। कहने का भाव कि 15 नवंबर 2021 तो पहला पहला जिन्हें भी टैसट हो गए वो पुराने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ही हो गए। जेडे नवे टैसट ने 16 नवंबर 2021 तो बाद द चेंजेस विल टेक प्लेस। हुण चेंजेस किहड़ियां किहड़ियां ने अगर इहदी गल करां, पहला तो चेंज यह है कि जिहड़ी टैसट दी टोटल ड्यूरेशन है उहदे विच फर्क पिया है। उहदे विच फर्क किस तरह पिया है कि पहला टैसट जिहड़ा सीगा पीटी दा वह लगभग 3 आवर्स का सीगा। सो इट यूज टू टेक 3 आवर्स टू फॉर द स्टूडेंट टू कंप्लीट द टैसट, बट हुण दी ड्यूरेशन जिहड़ी है 3 घंटे तो लैके ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਆਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਟੈਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਆਵਰਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 1 ਮਿੰਟ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟ 1। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 77 to 93 ਮਿੰਟਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ 54 to 67 ਮਿੰਟਸ। पार्ट टू की अगर गल करिए दैट इज रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट पहला ड्यूरेशन सी 32 to 41 मिनट्स, पर हम रिड्यूस करके इट हैज बीन मेड 29 to 30 मिनट्स। इहदे एक ऑप्शनल ब्रेक मिलती सी स्टूडेंट नूं 10 मिनट की, वह बच्चे की इच्छा से बच्चा लै सकता सी, बच्चा कहिंदा नहीं मैं तां स्ट्रेच चलना चाहुंदा, ईवन दैन ही कुड गो विद इट, बट हुण ओह ब्रेक जिहड़ी है ओह रिमूव कर दिती गई है। नाउ स्टूडेंट वॉन्ट बी एबल टू टेक एनी ब्रेक, हिल हैव टू टेक द होल टेस्ट इन 1 गो। उसके बाद पार्ट 3 है लिसनिंग। लिसनिंग की ड्यूरेशन से पहला 45 to 57 मिनट्स, बट हुण जिहड़ी ड्यूरेशन है यह बनाती गई है 30 to 40। नाउ आई कम टू इंडिविजुअल मोड्यूल्स। तुहानू पता है 4 ने, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। सो इन्हां दी मैं अगर इंडिविजुअली गल करा तो पहला गल करांगा सब तो पहला स्पीकिंग की। स्पीकिंग दे विच पर्सनल इंट्रोडक्शन दे दस्सिया सी मैं तुहानू कि 1 मिनट, हुण भी 1 मिनट। एक रीड अलाउड क्वेश्चंस ने, देयर इज नो चेंज, इट वाज 6 to 7 क्वेश्चंस, नाउ अगेन इट इज 6 to 7 क्वेश्चंस इन न्यू पैटर्न। रिपीट सेंटेंस की गल करा 10 to 12 पहला सीगे क्वेश्चंस, हुण भी 10 to 12 ने। डिस्क्राइब इमेज की गल करा, पहला 6 to 7 क्वेश्चन सीगे, हुण जिहड़ी है ए 3 to 4 होणगे। रीटेल लैक्चर है उहदा भी चेंज की गई है, पहला सी 3 to 4 क्वेश्चंस, नाउ इट हैज बीन मेड टू 1 to 2 क्वेश्चंस। और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये पहला सीगे 10 to 12 क्वेश्चंस, पर हुण उह जिहड़े चेंज करके 5 to 6 क्वेश्चंस ते लै आंदे ने। सो ए सीगा साडा। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज राइटिंग। राइटिंग दे विच जिहड़े क्वेश्चंस पुछे जांदे ने उह हुंदे ने समराइज रिटन टेक्स्ट। उह पहला सीगे 2 to 3, पर हुण जिहड़ा नवां पैटर्न है उहदे विच द क्वेश्चंस विल बी 1 to 2 रिड्यूस करके 1 to 1 to 2 करते गए ने। राइट एसे जिहड़ा है उहदे विच पहला भी 1 to 2 सी और हुण भी 1 to 2 ही रहणगे। सो देयर विल बी नो चेंज। ओवरऑल स्पीकिंग ते राइटिंग क्वेश्चंस जिहड़े ने उह पहला सीगे 39 to 48, हुण उह चेंज करके जिहड़े बनाते गए ने 28 to 36। नाउ आई कम टू द रीडिंग पार्ट। रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 to 6 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 5 to 6 ਓਨਲੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰਸ, ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ 5 to 6 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬਟ ਨਾਓ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ 1 to 2 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ 2 to 3, ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ 1 to 2। रीऑर्डर पैराग्राफ है, उहदे विच पहला 2 to 3 सी, हुण भी 2 to 3 ने, देयर इज नो चेंज। अगर मैं गल करा फिल इन द ब्लैंक्स जिहड़ा कि रीडिंग दे विच आंदा है, उह पहला सी 4 to 5, अगेन इट इज 4 to 5, सो देयर इज नो चेंज इन इट। अगर ओवरऑल रीडिंग क्वेश्चंस दी गल करा ते इनिशियली इट वाज 15 to 20, बट नाउ इट इज 13 to 18, क्योंकि ड्यूरेशन रिड्यूस कीती है ते हर पार्ट दे विच उहनां नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिहड़े ने उह रिड्यूस करते गए। नाउ आई कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज लिसनिंग।
लिसनिंग दे विच अलग अलग तरह के क्वेश्चन ने, मैं वारी वारी सारे क्वेश्चन डिस्कस करांगा। सो पहला है समराइज स्पोकन टेस्ट, उहदे विच पहला सीगे दो तो तीन क्वेश्चन, नाउ देयर विल बी वन टू टू क्वेश्चन। नैक्सट इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, इनिशियली इट वॉज टू टू थ्री क्वेश्चन, नाउ इट विल बी वन टू टू क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, लिसनिंग दे विच जिहड़े सीगे ਉਹ 2 ਟੂ 3 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2 ਟੂ 3। ਨਾਓ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਸਮਰੀ, ਸੋ 2 ਤੋਂ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 ਟੂ 2। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰ ਦੀ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੀਗੇ 2 ਟੂ 3 ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 ਟੂ 2। ਸਿਲੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਵਰਡ 2 ਟੂ 3, ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 ਟੂ 3 ਸੋਰੀ 1 ਟੂ 2। ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀ, ਦਿਸ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ 2 ਟੂ 3। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟ ਵਾਜ 3 ਟੂ 4, ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ 3 ਟੂ 4। ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ 15 ਟੂ 22, ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 12 ਟੂ 20, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਓਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਔਰ ਈਜ਼ੀਨੈਸ ਲੈਵਲ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਈਲਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਈਲਟਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ devsar.com ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ ਔਨ 9814315346 ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਯੂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਪੀਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।